कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल पहली बार धार पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। वहीं मंत्री सुरेंद्र सिंह ने क्षेत्र के विकास और डूब क्षेत्र के लोगों के पुनर्विकास की बात कही। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल मंत्री बनने के बाद अपने काफिले के साथ धार पहुंचे। यहां उनका स्थानीय सर्किट हाउस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने गर्म जोशी से स्वागत किया। वहीं धार के कलेक्टर दीपक सिंह, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, SDM सहित आला अधिकारी नवागत कैबिनेट मंत्री के स्वागत में मौजूद रहे। सुरेंद्र सिंह बघेल ने अधिकारियों से भी जिले के विकास एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं धार के सिल्वर हिल स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने कांग्रेस के 133वें स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा वंदन कर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति नीति पर चलते हुए क्षेत्र के विकास एवं प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों के अनुसार विकास कार्यों को करना बताया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुरेंद्र सिंह बघेल ने जिले के विभिन्न मुद्दों पर विकास हेतु अपनी बात कही। साथ ही डूब प्रभावितों के हित में सरकार द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़े जाने की बात भी कही। इस दौरान बदनावर के कांग्रेसी विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को मंत्री नहीं बनाए जाने पर उनके द्वारा विरोधाभासी बयानों पर जब पूछा गया तो बघेल ने उनके बयानों से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए पार्टी के वरिष्ठ के माध्यम से उनसे चर्चा किए जाने की बात कही। देखिए, प्राथमिकता तो हमारे वचन पत्र में है और उस वचन पत्र में जो भी हमारी प्राथमिकता है वो बस स्पष्ट है, उसको हम ज़्यादा से जल्दी से जल्दी उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कृषि विभाग पे और बिजली विभाग पे समीक्षा करी है। ऐसे सभी विभाग पे समीक्षा करके वचन पत्र को जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन में हम लोग ला रहे हैं। जी, पुनर्वास वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है और अब सरकार के वचन पत्र में बहुत सारे हमने बिंदु लिए हैं जो मनपुरुक क्षेत्र में करने हैं। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने तो उस पर कोई ध्यान दिया नहीं और ना उनके मुख्यमंत्री आए, ना उनके मंत्री कभी मिले। अब तो मैं, मेरा क्षेत्र है, मैं मेरी प्राथमिकता में डूब क्षेत्र, जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दिक्कतें हैं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ये आपके माध्यम से और मुझे आज धार आने पर पता चला है और ऐसी कोई बात है तो नेतृत्व तो बात कर रहा होगा उनसे और उन्होंने भी नेतृत्व से बात की होगी और हम लोग की जिला कांग्रेस और हम लोग भी सब उनसे बात कर रहे हैं। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम भी मौजूद रहे और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।